हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने 1.1 कंप्लीट की थी। चलिए आज देखते हैं 1.2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम HCF और LCM इसके बारे में जानने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की। तो आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, आपको क्या करना है इनका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम इनका अभाज्य गुणनखंड, चलो देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि पहला आपको दे रखा था यहाँ पर 140, तो हम यहाँ पर अगर 140 का गुणनखंड करें तो ये 2 की टेबल में आता है। ठीक है, 70 पे, फिर अभी भी ये 2 की टेबल पे आता है 35 पे, अब ये 5 की टेबल में जाता है 7 पे, फिर 7 1 जा 7। तो 140 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड लिखें तो वो आएंगे 2 × 2 × 5 × 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 की घात घातांक के रूप में भी आप इसे लिख सकते हो, 5 × 7। ठीक है, तो ये था 140 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे आपको बाकी इन सब पार्ट के भी क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करके लिखना है। तो चलिए आगे के देखते हैं। तो अगर हम अपना सेकेंड पार्ट देखें तो 156 था, तो मैंने यहाँ पर 156 के पहले गुणनखंड कर दिए, जिसकी भी टेबल में आता था उसे कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिए 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर थर्ड पार्ट लिया 3825। तो पहले मैंने इसके गुणनखंड किए, तो जब मैंने इसके गुणनखंड किए तो देखा ये 5 की टेबल में, 3 की टेबल और 17 की टेबल से हुए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या किए मैंने यहाँ लिख दिए 5 × 5 × 3 × 3 × 17। और घातांक के रूप में लिखे तो 5 की घातांक 2, 3 की घातांक 2 और इंटू में 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी भी इसमें दो पार्ट और हैं, फोर्थ और फिफ्थ, दोनों पार्ट ये रहे आपके पास। यहाँ पर भी सेम वही, सब पार्ट में हमने वही किया, पहले उनके अभाज्य गुणनखंड किए और उसके बाद उनको लिख दिया, घातांक के रूप में भी लिख दिया और वैसे भी लिख दिया। तो आप यहाँ पर देखो कि 5, 7, 11 और 13 है, तो कोई भी नंबर अपने आपको नहीं दोहरा रहा है दोबारा, इसलिए हमने इसको घातांक के रूप में नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर है या नहीं। देखो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर पूर्णांक दे रखे हैं, आपको क्या करना है इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करने के बाद आपको जांच करना है, क्या जांच करना है कि जो ये दो संख्याओं का आपने गुणनफल करोगे वो आपका जो आपने HCF और LCM निकाला है उनके गुणनफल के बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे इसे हम। तो पहला पार्ट मैंने यहाँ लिखा 26 और 91 है, तो सबसे पहली बात तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 26, तो 26 के अगर मैं यहाँ पर गुणनखंड करूं तो ये 2 की टेबल में 13 पे आता है और 13 1 जा 13। 91 के अगर हम यहाँ पर करें तो ये 7 की टेबल में 13 पे आता है और 13 1 जा 13। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं तो 2 × 13 और 91 हो जाएगा 7 × 13। तो HCF तो जो उभयनिष्ठ होता है इन दोनों में वो होता है, तो वो मेरा आ गया यहाँ पर 13। LCM देखें तो कैसे आएगा हमारे पास, तो 13 तो अब हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, और जो उभयनिष्ठ नहीं हुई जो संख्या उनको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है ना, तो जब आप इसको यहाँ पर गुना करोगे तो आपका 182 आएगा। चलो HCF और LCM तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या करना था, जांच करना था। चलिए जांच करके भी देख लेते हैं। तो जांच करने के लिए उन्होंने लिख के दिया था कि HCF को आप LCM से गुना करोगे तो वो दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं, जो हमने अपना HCF निकाला वो यहाँ लिख देते हैं, जो LCM निकाला है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब दो संख्या, ये वो संख्या है जिनका हमने HCF और LCM निकाला है, तो 26 × 91। अब जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो आपका आएगा 2366, और जब आप इन दोनों को गुना करोगे तो भी आपका यही आएगा। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने जो ऊपर HCF और LCM निकाला है वो दोनों ही सही निकाले हैं, क्योंकि जांच करने में ये हमारे दोनों बराबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट भी सेम यही है, 510 और 92। तो पहले मैंने इनके क्या किया, गुणनखंड कर लिए, गुणनखंड करके HCF और LCM निकाल लिया।
जब मैंने 510 का गुणनखंड किया तो 2 × 3 × 5 × 17 आया, और जब 92 का किया तो 2 × 2 × 23 आया। तो इनमें से जो उभयनिष्ठ था जो कि 2 था मेरे पास, तो वो मैंने मेरा HCF हो गया, तो और कोई संख्या उभयनिष्ठ नहीं। तो LCM क्या होगा, जो उभयनिष्ठ है उसको तो मैंने यहाँ पर एक ही बार लिख दिया और बाकी सारी संख्याएं ऐसी लिख दी, उसके बाद गुणा कर दिया तो मेरा LCM आ गया। उसके बाद जांच करना था तो यहाँ पर जांच कर लिया, HCF into LCM इसके बराबर होगा, ये दो संख्याओं के गुणनफल बराबर। जब मैंने इन दोनों को इंटू किया तो ये आया, और जब इन दोनों को इंटू किया तो ये आया, दोनों ही बराबर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट भी सेम यही है, 336 और 54। तो पहले इनके मैंने गुणनखंड किए तो 336 क्या आया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। फिर 54 का क्या है तो 2 × 3 × 3 × 3 आया। इनमें से उभयनिष्ठ अगर मैं देखूं तो एक तो ये है, ठीक है, 2, और एक मेरे पास 3 है, तो मेरा HCF आ गया 6। अब LCM कैसे निकालेंगे, जो उभयनिष्ठ संख्या है उनको तो एक एक बार लिख दिया यहाँ पर, बाकी जो संख्याएं बची जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको सबको ऐसे ही लिख दिया और गुना कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जांच करने के लिए HCF into LCM किसके बराबर होगा, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो जो HCF निकाला वो रख दिया, जो LCM निकाला वो रख दिया, और जो दो संख्या थी जिनका HCF और LCM निकाला गया वो रख दिया, गुना किया तो ये दोनों ही मेरे बराबर आ रहे थे, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 जो कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड वाली विधि लगानी है और उस विधि से इन पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो पहला पार्ट है 12, 15 और 21। तो पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर तीनों के, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। 15 के करेंगे तो 3 5 जा और 5 1 जा, और 21 के करेंगे तो 3 7 जा और 7 1 जा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 12 के गुणनखंड आए 2 × 2 × 3, 15 के आए 3 × 5, और 21 के यहाँ पर आए मेरे पास 3 × 7, ठीक है। अब हमें HCF चाहिए, तो HCF जो तीनों में होगा, तो तीनों में सिर्फ 3 ही उभयनिष्ठ है, देखो जो जो तीनों में है जो संख्या, तो इसका मतलब HCF तो 3 आ गया। अब अगर हम LCM की बात करें तो LCM में 3 तो एक ही बार लिखेंगे और बाकी जो संख्याएं बच गई हैं उनको लिख लेंगे, तो 2 बार 2 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है, इसको गुना करेंगे तो 420 आ जाएगा। बस इसमें आपको HCF और LCM ही निकालना है, जांच नहीं करनी है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपसे कह रहा था यहाँ पर, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो, तो उससे हमने ये पार्ट कर लिया, ठीक है। बाकी के दो पार्ट भी इसके ऐसे ही हैं, देखो 17, 23 और 29। तो ये तीनों वो संख्याएं हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आती हैं और किसी टेबल में नहीं आती, या फिर ये कह सकते हो आपकी ये 1 की टेबल में आती है ना। तो 17 का मैंने गुणनखंड लिख दिया 1 × 17, 23 का 1 × 23, और 29 का लिख दिया 1 × 29। अब इन तीनों में मैं देखूं तो सिर्फ 1 मेरा यहाँ पर तीनों में उभयनिष्ठ है, तो वो मेरा HCF आ जाएगा। LCM कितना आएगा, 17 × 23 × 29, ये मेरा LCM। क्वेश्चन में बस हमारे को HCF और LCM ही निकालना था, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं, 8, 9 और 25। तो पहले मैंने 8, 9 और 25 के क्या किए, गुणनखंड कर लिए और उनको यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने जब इनके गुणनखंड किए ना, तो मैंने देखा कि इनमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो उभयनिष्ठ हो तीनों में, तो इसका मतलब फिर मेरा HCF क्या आएगा। तो देखो ये तीनों में कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तीनों संख्या 8, 9 और 25 जो ये हमारे पूर्णांक है, ये 1 की टेबल में तो आते ही आते हैं, तो तीनों में 1 तो उभयनिष्ठ हो गई होगा, इसलिए मेरा HCF 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। कई बार हम यहाँ गलती से 0 लिख देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ भी यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है इनके गुणनखंडों में, तो 0 लिख देते हैं, तो मतलब 1 हमारा उभयनिष्ठ होता है जब कुछ भी नहीं होता तो, ठीक है। और LCM क्या आएगा, तो ये सारी संख्या गुना कर दो, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5, तो आपका LCM आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, HCF आपको दे रखा है दो संख्याओं का, क्या LCM आपको ज्ञात करना है। तो अभी हम ऊपर एक चीज करके आए हैं कि HCF को अगर आप LCM से गुना करोगे तो वो दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर, क्या है ना हमने ये। तो चलिए उसी से ही हम क्या करते हैं, अब LCM निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखो
HCF आपको क्वेश्चन में दे रखा था 9 था, LCM आपको यहाँ पर ज्ञात करना था, और वो दो संख्या भी दे रखी है आपको 3060 और 657। तो यहाँ से मैं LCM निकाल सकती हूँ। क्या करूंगी, इस 9 को यहाँ नीचे ले आती हूँ, वहां पर एक गुना का है, इधर आके भाग का हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करो, 306 को 9 से अगर आप डिवाइड करने वाले हो तो 34 आएगा। तो आपका LCM कितना आ जाएगा, 34 को क्या करो आप किससे गुना कर दो, 657 से, तो 22338 ये आपका LCM आ गया। और आपको इस क्वेश्चन में LCM ही ज्ञात करना इन दोनों संख्याओं का, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। कह रहे जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, 6 की घातांक है ये n, अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपसे कह रहा है कि आपको ये जांच करना है कि जो ये 6 घातांक n है, ठीक है, इसका जो अंक है ये 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 0 पर तो तभी समाप्त हो पाएगा ना जब आपके पास जो संख्या हो वो इसमें हो। पर मैं यहां पर इसको करूं, 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 × 5 इस रूप में हो। क्योंकि देखो लास्ट में आपको 0 चाहिए, ये तो 10, अगर आप 10 के गुणनखंड लिखोगे तो 2 × 5 आएगा, अगर आप 100 के गुणनखंड लिखोगे तो इसमें भी 2 × 5 तो आएगा ही आएगा। मतलब जो भी संख्या 0, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड कैसे होने चाहिए, 2 × 5 इस रूप में होने चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के घातांक n के रूप के होते हैं। लेकिन अगर मैं इसके गुणनखंड निकालूं 6 के घातांक n के, तो वो आ रही है मेरे पास 2 × 3, बट होना क्या चाहिए था, 2 × 5 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 2 × 3 है, तो इसका मतलब शून्य पर समाप्त नहीं होंगे। 6 के घातांक n जो है वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी कभी भी। शून्य पर समाप्त तभी हो सकती है जब आपके पास जो उसके गुणनखंड हो वो 2 × 5 इस रूप में हो, ठीक है, और यहाँ पर 2 × 3 के रूप में है, इसलिए वो शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको सिर्फ यही लिखना है। अब आप इस घातांक n की जगह कोई सा भी मान रख लो, रख के देख लो आप। अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो 6 आएगा, 2 रखते हो तो यहाँ पर 6 × 6 36 हो जाएगा, ठीक है। 3 रखोगे तो आगे बढ़ जाएगा, 216 हो जाएगा। आप करते रहो, वो कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी उसकी आखिरी वाली संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहे व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको यहाँ सिद्ध करना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों है। सबसे पहली बात तो भाज्य संख्याएं होता क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो दो संख्या हमने देखी, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, है ना। भाज्य संख्या वो होती है जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड जिनपे हो। जैसे अगर मैं आपके पास कोई उदाहरण लूं, 4 ले लो, तो इसके गुणनखंड मतलब ये किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और अपनी टेबल में, तो ये भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती है जिनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो नंबर खुद जो संख्या है वो खुद और एक 1। जैसे मैं लूँ 2, तो 2 सिर्फ एक अपनी टेबल में और एक 1 की टेबल में आता है। 5 ये सिर्फ एक अपनी टेबल में और एक 1 की टेबल में आता है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया भाज्य संख्या क्या है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको कह रहा है कि ये दोनों आपके पास भाज्य संख्या है, क्यों है ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा 1 है और ये पूरा 1 है, तो हम पहले इसको करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसमें से और इसमें से 13 को उभयनिष्ठ कर लिया, कर सकती हूँ क्योंकि इसमें भी 13 है और इसमें भी, ठीक है, तो वो मैंने बाहर लिख लिया। तो अंदर बचा मेरे पास 7 × 11 और यहाँ पर बचा मेरे पास 1, क्योंकि 13 तो बाहर चला गया। अब 7 × 11 = 77 और + 1 = 78। तो अब आप देख रहे हो इस पूरे के जो गुणनखंड है वो 13 है, 78 है और एक 1 तो हो गई होगा, है ना। तो दो से ज्यादा गुणनखंड है ना इसके, तो एक ये रहा आपके पास, एक ये रहा, और अगर मैं कहूंगी एक 1 है, 1 क्योंकि सबका गुणनखंड हो तो एक 1 है। तो जिसके भी दो से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होता है, भाज्य संख्या। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, इसके दो से अधिक गुणनखंड है तो ये भाज्य।
ठीक है, उसी तरीके से आपको एक और दे रखा था, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। तो आप देखो कि इस पूरे में से और इसमें से 5 उभयनिष्ठ है, तो जो कि मैंने यहाँ पर कर लिया और उसको बाहर लिख दिया, तो अंदर बचा मेरे पास, अच्छा यहाँ पर 4 भी आएगा, एक मिसिंग है यहाँ पर नंबर, तो 4 × 3 है ना। तो जब मैंने 5 को उभयनिष्ठ किया तो ये सब अंदर बचा, यहाँ से 5 बाहर चला गया और यहाँ से 5 बाहर गया तो 1 बचा, ठीक है। इन सबको जब मैंने गुणा किया तो 1008 आया, उसमें 1 प्लस किया ये आया। तो मतलब अगर मैं इसके गुणनखंड देखूं इस पूरे के, तो एक तो 5 है, एक 1009 है और एक 1 होगा, 1 तो सबका ही होता है, तो 2 से अधिक गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या, ठीक है। तो जिसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो वो सारी आपकी क्या होती है, भाज्य संख्या। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। आपसे कह रहे हैं किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने से सोनिया को 18 मिनट लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगे। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो आपके पास ना एक, यहाँ पर मैं इसको समझाती हूँ, पहले आपके पास एक वृत्ताकार मतलब ऐसा एक ऐसा पाथ है, तो दो जने हैं, एक सोनिया है और एक रवि है, वो दोनों इसके चक्कर लगाने शुरू करते हैं, ठीक है। जब सोनिया चक्कर लगाना शुरू करती है ना, ऐसे जा रही होगी वो, तो वो एक चक्कर कितने 18 मिनट में लगाती है, वही सेम चक्कर जब रवि लगाता है तो वो 12 मिनट में लगा लेता है। इसका मतलब रवि जल्दी लगा रहा है, सोनिया थोड़ा धीरे लगा रही है, ठीक है। फिर सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी, तो सोनिया अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो जब उसने पहला चक्कर लगाया तो उसने 18 मिनट लिए, जब उसने दूसरा चक्कर लगाया तो उसने कितने मिनट लिए होंगे, पहले चक्कर में 18, दूसरे चक्कर में भी 18, तो कुल मिला के कितने हो गए, 36 मिनट, ठीक है। फिर उसने जब तीसरा चक्कर लगाया होगा तो पहले चक्कर में 18, दूसरे चक्कर में भी 18 और तीसरे चक्कर में भी 18 है ना, तो 3 बार 18, इसका मतलब उसने कितने 54 मिनट लिए होंगे। उसी तरीके से एक लड़का है रवि, जब उसने चक्कर लगाने शुरू किए उस वृत्ताकार पथ के, तो पहले में बार में उसने 12 मिनट लिए पहले चक्कर में, तो दूसरे चक्कर में 24 मिनट लिए होंगे, तीसरे चक्कर में 36 मिनट लिए होंगे, चौथे चक्कर निकालूं तो 48 मिनट लिए होंगे, ऐसे ये चलता रहेगा। आपको ये बताना है कि ये दोनों वापस आके वापस कब किस समय पे ये दोनों मिलेंगे, जहां से इन्होंने शुरू किया था वहां पर। तो आप देखो इन दोनों में 36 जो है ये कॉमन है, इसका मतलब जब सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी और जब रवि तीसरा चक्कर लगाएगा लगा लेगा तब ये दोनों मिल जाएंगे जहां से इन्होंने शुरू किया था। फिर वहां से सोनिया अपना दूसरा तीसरा चक्कर शुरू करेगी और रवि अपना चौथा चक्कर शुरू करेगा। समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो आपको सिर्फ यही बताना था कि ये दोनों दोबारा जहां से इन्होंने शुरू किया था वहां कितनी देर बाद आके मिलेंगे। तो आप देख लो 36 मिनट के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि इन दोनों में सबसे छोटा, इन दोनों की टेबल अगर मैं देखूं 18 और 12, इन दोनों की टेबल में सबसे छोटी संख्या जो उभयनिष्ठ कॉमन हो वो कौन सी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, इसको करेंगे हम कैसे। ये तो हमें पता चल गया आंसर कि 36 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर देखो, पहले हमने 12 के गुणनखंड कर लिए, फिर हमने 18 के गुणनखंड, ठीक है। इन दोनों में ये उभयनिष्ठ था, इन दोनों में ये था, तो इन दोनों को एक बार लिख दिया और बाकी बचा 2 और 3 उसको ऐसे लिख दिया। तो यहाँ मैंने 36 निकाला, तो इसका मतलब मुझे एलसीएम निकालना है, सबसे छोटा फैक्टर चाहिए मल्टीपल। एलसीएम यही तो होता है, जो सबसे छोटा गुणनखंड हो वो मुझको चाहिए, मल्टीपल मुझे चाहिए, गुणनखंड नहीं सॉरी मल्टीपल मुझे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे 36 मिनट पर सोनिया और रवि पुणे प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो आपको ये समझ में आया कि हमने कैसे निकाला, एक एक चक्कर वो लगाते रहेंगे तो उनका जो समय है वो बढ़ता रहेगा, 18 से 36 फिर 54, ऐसी रवि का 12 24 36 48। तो आपको ये बताना था कि वो दोनों कब आकर दोबारा यहाँ पर मिलने वाले हैं, कितने समय पे। तो 36 मिनट पे सोनिया और रवि दोनों मिलेंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है, तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।